नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य, BNS गुड फार्म से। दोस्तों, आज हम जानेंगे बकरी के पेट में कीड़े का इलाज। ये बकरी पालन में बहुत बड़ी समस्या है। लोग यही कहते हैं कि हमारी बकरी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारी बकरी खा नहीं रही है, हमारी बकरी बार बार बीमार हो रही है, क्या करें क्या करें। तो आप लोग यही लापरवाही करते हो कि बकरी के पेट के कीड़े मारने की दवा यानी उसका डिवॉर्मिंग आप लोग नहीं करते हो। कुछ भाई करते हैं तो एक बार कर दिए तो फिर सालों भूल जाते हैं, जबकि हर 3 महीने पर बकरी को पेट के कीड़े मारने की दवा दिया जाना चाहिए। बकरियों के पेट में बहुत जल्द से जल्द वार्म बन जाता है। जैसे कि देखिए, अभी जल्द दिखाइए, बकरियां सब खुली हुई हैं और बाड़े के अंदर घूम रही हैं, और नीचे दिखाइए फर्श कितना गंदा पड़ा है। क्या करें दोस्तों, इस ठंड में पहले तो बहुत ज़्यादा जो है कि ठंड पड़ रहा है, शीतलहर कोहरा धुंध पड़ रहा है, और ऊपर से बारिश। रात को बारिश हो गया, सुबह सफाई करने के टाइम बारिश हो गया, फिर दोपहर को साफ करेंगे दोपहर में भी बारिश हो गया। इस वजह से सफाईयां नहीं हो पाया है, जबकि बकरी पालन में सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत सारी बीमारियां आती हैं और बकरियां बार बार बीमार होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं बकरी के पेट के कीड़े का इलाज। तो देखिए, ये है मेरे पास बकरी के पेट के कीड़े मारने की दवा, और इसका नाम है क्यूराजान फोर्ट। और आप नज़दीक से देखिए, क्यूराजान फोर्ट, और ये 100 ml का है और मात्र 85-90 रुपये का मिल जाता है। और इसके अंदर जो साल्ट है ना, वो फेरमेंडाजोल है, फेरमेंडाजोल, और ये ओरल पिलाया जाता है, सिरप है। और ये फेरमेंडाजोल के बारे में पहले आप समझ लें, एक होता है अल्बेंडाजोल और एक होता है फेरमेंडाजोल। अल्बेंडाजोल फेरमेंडाजोल के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं। और जैसे कि अभी इसमें फेरमेंडाजोल है, यानी ये गाभिन बकरी, खाली बकरी और मेमने बच्चे सबको दिया जाएगा। तो हमारे पास छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का कितना डोज है, बड़ी बकरियों का कितना डोज है, ये भी मैं बताऊंगा। वैसे मैं चीज़ बता दूं, कुछ भाई फिर भी नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं कि आपके पास तो देसी बकरी है, बर्बरी बकरी है, आप उसके हिसाब से पिला दिए, और हमारे पास जो है कि तोता परी है, जमुना परी है, बड़ी ब्रीड है, सिरोही है, तो हम कितना पिलाएं। भैया कि बता दूं, 10 किलो बॉडी वेट पर, 10 किलो बॉडी वेट पर 3 ml, 10 किलो पर 3 ml पेट के कीड़े मारने का दवा जो सिरप होता है वो दिया जाता है। तो आइए मैं आपको बकरियों को पिला करके दिखाऊंगा। और देखिए, ये है क्यूराजान फोर्ट, और इसके फायदे के बारे में भी हम जानेंगे, यानी क्यूराजान फोर्ट, बकरी को क्यूराजान फोर्ट पिलाने के फायदे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले मैं निकाल लूँ, ये देखिए, ये इस तरीके का होता है। कोई भी दवा देने से पहले आपको, कोई भी दवा हो जो लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है, जो उसको हिलाना अच्छे तरीके से, चूँकि गाढ़ा जो लिक्विड दवा होता है कुछ नीचे बैठा रहता है, ऊपर पानी जैसा हो जाता है। आपको ये अच्छे तरीके से हिला लेना है, उसके बाद ही निकालना है आपको। और देखिए, मैं अभी सुबह सुबह लेके आया हूँ इसको, और ये जो है कि मैं अपने बकरियों को पिलाऊँगा। देखिए, इस तरीके से आप निकाल लें जितना ज़रूरत है, उसके बाद इसको बंद करके रख दें। और देखिए, ये है मेरे पास 3 ml का सिरिंज, और देखिए ये बकरी ने बच्चा दिया है, इस बकरी ने बच्चा दिया है, इस बकरी का बच्चा ये है, और उस बकरी ने बच्चा दिया है, और उस बकरी का बच्चा उधर अंदर छुपा हुआ है, और ये बकरी गाभिन है मेरी, एक बकरी ये भी गाभिन है। तो हम खाली और गाभिन बकरी और बच्चों का सबका करके दिखाएंगे। ये देखिए, आ जाओ तुम, आओ। अब देखिए, बॉडी वेट, ये होगा बकरी को वजन करना है, नहीं वजन नहीं करना है, ऐसे देख करके अगर आप एक बिजनेस से काम कर रहे हैं तो आपको 1-2 किलो अप डाउन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये बकरी है, ये मेरी बकरी है, आ जा, चलिए ये इस मेमने पे दिखाते हैं। अभी सब उधर कागज लेकर चले गए, उसके चक्कर में है। जैसे कि ये मेमना मेरा 2 महीने का लगभग होने वाला है, जबकि मैंने इसको शुरू में डिवार में किया था, तो अभी मैं इसका फिर डिवार्मिंग करूंगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि डिवार्मिंग यानी पेट या कीड़े मारने की दवा देने से पहले बकरी का पेट खाली होना चाहिए, यानी उसको चारा खा के कम से कम 2 घंटा होना चाहिए, 2 से 3, 4 घंटा, 5 घंटा हो गया है तब देना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं देना चाहिए, ये काम नहीं करता है। तो ये देखिए, मेरा छोटा बच्चा है, और इसका वजन मैं देख लेता हूँ ऐसे ही, देखिए करीब 10 किलो प्लस है। अब इसको 3 ml के आसपास दिया जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो एक ही बार में नहीं दे सकते हैं, 2 बार में देंगे क्योंकि गिरा देते हैं। और देखिए, इसके ये लोग सुबह के खाए पिए हैं, बच्चे हैं, थोड़ा खुले रहते हैं, दूध पी लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए, इसको हमने दे दिया 1.5 ml, अभी इसको फिर देंगे हम 1.5 ml के आसपास।
तो ये हो गया 3 ml इसका। अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं बच्चा बनाने मनी बकरी बच्चा देने के 10 से 15 दिन 20 दिन में कर रहे हैं तो 1 से 1.5 ml से किया जाता है, क्योंकि तो बच्चे का वजन 4 से 5 किलो 6 किलो तक ही रहता है, लेकिन ये अभी 10 किलो प्लस हो चुका है तो इसको हमने लगभग 3 ml दे दिया। जैसे कि अब ये बकरी देखिए, ये बकरी आ गई है, अब इसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होगा तो 20 किलो होगा, क्योंकि इसने बच्चे को दिया है और दूध पिला रही है और खा भी नहीं रही है ढंग से, तो इसका डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। 3 ml हो गया और देखिए बकरी आराम से पी लेती है, 6 ml हो गया। वैसे तो ये 6 ml देना चाहिए, लेकिन चूंकि इसके पेट में वार्म है, मैंने इसके मेघनी गोबर में देखा था तो वार्म दिख रहा था, इसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। और देखिए ये आ गई हमारी बकरी, कराओ जाओ सर। देखिए ये इसका वजन लगभग 15 किलो प्लस है, यानी 20 किलो के आसपास ही है, तो इसको मैं 6 ml दूंगा। और जैसे मैंने कहा कि आप क्यूराजान पोर्ट ये गाभिन बकरियों को भी दे सकते हैं, यानी प्रेग्नेंट बकरी को भी दे सकते हैं और खाली को भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीका से ये हो गया 6 ml, इसका हो गया 9 से 10 ml, ये हो गया 3 ml। थोड़ा नजदीक से दिखाओ, इधर आइए, इधर देखिए एक मेमना और इधर है, जैसे कि मैंने उसको 3 ml दिया, एक मेमना इधर है, देखिए ये 1 महीना प्लस की है। तो इसका डिवॉर्मिंग मैं एक बार कर चुका हूँ, लेकिन अभी ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ है, तो देखिए मैं इसको ले आऊँ 1.5 ml, ये देखिए ये 1.5 ml। तो आप इसको 1.5 ml आराम से इस तरीका मुँह खोले और तो पिला दें। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि इनका पेट खाली होना चाहिए तभी काम करेगा, और दूसरा दवा देने के 2 घंटे बाद, कम से कम है 2 घंटा, नहीं तो 3 घंटे 4 घंटे के बाद इनको चारा देंगे तब ये दवा बढ़िया काम करेगा और बकरी के पेट में कीड़े नहीं रहेंगे, यानी उसके पेट में वार्म नहीं रहेगा और आपकी बकरी का भूख लगेगा, आपकी बकरी का ग्रोथ बढ़ेगा, आपके बच्चे का ग्रोथ बढ़ेगा, तो और बकरियाँ बार बार बीमार नहीं होंगी। क्योंकि अभी ठंडे का मौसम, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी और जुखाम और बुखार लूज मोशन ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, अगर उनके पेट में वार्म रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, अगर उनके पेट में वार्म नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम कम आता है। ये देखिए एक बकरा है, तो नखरे करता है दवा पीने में, और देखिए लो लो, और मैं इसको पिलाऊंगा और इसको लगभग 10 ml के आसपास दिया जाएगा, ये अभी लाइव बेड 20 किलो प्लस है ये, तो इस तरीका से आप जो है कि इनको पिला सकते हैं। देखो ये हो गया 10 ml के आसपास हो गया, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर देता हूँ क्योंकि ये अंडूल है और हृष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसके पेट में भी मुझे वार्म, इसके मेघनी में भी वार्म दिखा था। एक बकरी इधर है, देखिए गाभिन है, लेकिन इसके पेट में वार्म नहीं है, लेकिन हमें गाभिन बकरी को भी देना है। जैसे कि मैंने कहा कि गाभिन बकरी को जब आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो उनके दूध में कमी नहीं आता है, बच्चे का ग्रोथ उनके पेट में अच्छा होता है। और एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके गले में या उसके जबड़े के नीचे गिल्टी होता है, सूजन होता है। अगर आप प्रेग्नेंट बकरी का, हाँ अगर प्रेग्नेंट बकरी का डिवॉर्मिंग 1 महीना हो गया है, 1 महीना ऊपर हो गया है, यानी 1.5 महीना 1.5 महीना हो गया आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 2 महीना हो गया कर रहे हैं, 3 महीना हो गया तो कर रहे हैं, 4th महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन 5वें महीने में नहीं करना है गाभिन बकरी का, प्रेग्नेंट बकरी का। तो एक बेनिफिट होता है कि उनके बच्चे के जबड़े में गले में जो सूजन के साथ पैदा होते हैं वो सूजन नहीं होता है, यानी वो टॉन्सिल रोग बीमारी के शिकार नहीं होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसमें दवा कम हो गया है, चले मैं ले लेता हूँ, थोड़ा इसमें ख़त्म हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि इसको हिला करके ही निकालना है अच्छे तरीके से, और ये देखिए मैंने निकाल लिया, और अब वो बकरी कहाँ गई, उधर है, थोड़ा सा दिखाइए, लाइए इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, चलो इधर आओ। देखिए ये बकरी गाभिन है और ये बकरी अभी 3रे महीने में है, तो देखिए मैं इसको पिला रहा हूँ और इसका बॉडी वेट भी लगभग
25 किलो के आसपास है लाइव में, तो इसको भी 10 ml के आसपास दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 9 ml दे दे रहे हैं। और तुमको मिला ना, चलो तुमको तो कुछ भी दे दो तुम खा लेती हो। ये देखिए, और मेरी ये बकरी गाभिन है, इधर देखिए, इधर आओ, इधर आओ, ये बकरी गाभिन है और ये मेरी सबसे हैवी वेट की बकरी है, जाओ हटो, ये बकरी गाभिन है और इसको भी हम पिलाएंगे, ये देखिए इस तरीका से, और इसको 10 ml प्लस दिया जाएगा। थोड़ा इधर आओ, तुम इधर आओ, तो देखिए 3 ml हो गया। और आप चाहें तो एक ही बार में 10 ml की सीजन से पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बकरियां पीने में नखरे करती हैं, आधा गिर जाता है और आधा पीती है। आप लोग यहां पर भी गलती करते हो कि दोबारा नहीं पिलाते हो उनको, देखिए इसमें क्या गिरता नहीं है, ऐसा बार बार पिलाना पड़ता है लेकिन यह गिरता नहीं है। ये देखिए इस तरीका से इसका 10 ml प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों गाभिन बकरी का आप भी डिवार्मिंग करें, खाली बकरी का भी, बच्चों का भी देख लिया आपने, अभी और भी बकरियां मेरे पास है लेकिन सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट रहा खाली बकरी, गाभिन बकरी, छोटे बच्चे दो टाइप के मैंने आपको दिखा दिया। आप भी अपने बकरियों के क्यूरा जान पोट पिलाएं, बहुत फ़ायदा है दोस्तों, हर 3 महीने पिलाना है आपको। दोस्तों छोटा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार।